नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है जब कोई साथ न दे, अपने ही धोखा देने लगे तो। इस कहानी को गौर से सुन, सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद होने वाली है, जिससे इस कहानी को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके सभी दुखों का अंत हो जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को आधा अधूरा सुनने की गलती मत करना, क्योंकि इसमें आपको पाप भी लग सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। एक नगर में अनुज नाम का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उसके पिता नगर के प्रसिद्ध थे और परिवार में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। अनुज के दो बड़े भाई थे जो पिता के व्यवसाय में उनका हाथ बटाते थे, किंतु अनुज के लिए सब कुछ ठीक नहीं था। अनुज जन्म से ही नेत्रहीन था, इसी कारण से उस पर सारा जीवन घर में ही व्यतीत हुआ करता था। उसको घर में ही सभी सुख साधन उपलब्ध रहते थे। नेत्रहीनता के अतिरिक्त अनुज को एक और स्थिति भी थी, जिससे उसका माँ की निधन छोटी सी उम्र में ही हो गया था। यद्यपि अनुज के पिता और उसके भाई उसे बहुत प्रेम करते थे और उसका सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते थे, किंतु व्यापार की व्यवस्थता के चलते वह घर में ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। इसलिए अनुज का जीवन घर के नौकरों के सहारे ही चलता था, जिस कारण अनुज के मन में विरक्ति का भाव उत्पन्न होने लगा। फिर वह ठाकुर जी के ध्यान में हमेशा लीन रहने लगा और धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति उसकी भक्ति बढ़ती चली गई। जब उसका सारा समय ठाकुर जी के ध्यान और भजन कीर्तन में ही व्यतीत होने लगा था, उसके पिता और उसके भाइयों को इससे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। किंतु कुछ दिनों के बाद दोनों बड़े भाइयों का विवाह हो गया और पहले की तरह ही सब कुछ ठीक चलता रहा। परंतु धीरे धीरे अनुज की भाभियों को अनुज के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगा और अपने मन छुपाए रहती, किंतु इन सभी से बिल्कुल अनजान अनुज उनको अपनी माँ का उनमें रूप देखता और सोचता था कि उनकी माँ की कमी अब पूरी हो गई है। इसी तरह से वह अपनी भाभियों के साथ व्यवहार करता था जैसे वह अपनी माँ के साथ व्यवहार करता था। फिर कुछ ही दिनों के बाद अनुज के पिता का भी देहांत हो गया और अनुज पूर्ण रूप से अपने भाई और भाभियों पर ही निर्भर हो गया। फिर भी उसके भाभियों का प्रेम अभी भी उसके प्रति वैसा ही जैसा कभी पहले था, किंतु कहते हैं कि तिरिया चरित्र के आगे किसी की नहीं चलती। अवसर देख करके अनुज की भाभियों ने अपने पतियों से अनुज के विरुद्ध भड़काना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका षड्यंत्र बढ़ता चला गया। अनंत एक दिन आ ही किया कि जब अनुज के भाई पूर्ण रूप से अनुज के विरुद्ध खड़े हो गए, अब उनकी भी अनुज से जलने लगा था। इस सब बातों से बिल्कुल अनजान सरल हृदय अनुज जब भी ठाकुर जी की भक्ति में ही लीन रहता था, वह अपने भाइयों और भाभियों के प्रति मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रखता था। किंतु ऐसा कब तक चलता? आखिर एक दिन भाइयों की पत्नियों ने पतियों को समझाया कि इस नेत्रहीन के मुंह में क्यों फंसे हो, इसे मुक्ति प्राप्त करो, अन्यथा एक दिन तुमको अपनी संपत्ति इसके साथ बांटनी पड़ेगी। इस संपत्ति पर इसका क्या अधिकार है? इसने जीवन भर क्या किया, यह जो कुछ भी है सब तुम्हारे ही परिश्रम के कारण आज है, लेकिन इसमें से इसको कुछ ना कुछ देना पड़ जाएगा। फिर आखिर इसको क्यों संपत्ति दी जाए? आखिरकार भाइयों के मन में कपट बस गया और एक दिन सबने मिलकर अनुज से कहा कि अब तुम्हारा बोझ हम और अधिक समय तक नहीं उठा सकते, इसलिए हम तुम्हारे रहने और खाने का प्रबंध दूसरी जगह कर देते हैं। अब तुम वहीं रहा करो, तुमको समय पर खाना कपड़ा और जो भी सुविधाएँ हैं आवश्यक सामग्री है वह सब कुछ मिलती रहेगी, तुमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देंगे। फिर अनुज ने अपने भाइयों के मुख से इस प्रकार की बात को सुन करके अनुज बिल्कुल
अचंभित हो गया और उसकी आंखों से झरझर आंसू वह निकले, किंतु वह कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं रहा। और तो वह स्वयं को संभालते हुए वह कहने लगा कि भाई, आपने मेरे लिए जो भी निर्णय लिया है वह निश्चित रूप से हमारे लिए अच्छा ही होगा, किंतु मुझे बस इतना बता दो कि मेरा कौन सा अपराध है जिसके कारण मुझे इस घर से बाहर निकाला जा रहा है। मुझे तो लगता है कि मेरा अपराध यही है कि मैं नेत्रहीन हूँ, किंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, यह तो प्रभु की इच्छा है। और भाई, अब तक आपने मुझको इतना प्रेम किया, फिर अचानक यह क्या हो गया कि मुझे इस घर से बाहर निकाला जा रहा है। तो भाइयों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर अनुज ने अपना घर छोड़कर चले गए, जिससे अब वह पूरी तरह से अनाथ हो चुका था। पर कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और फिर वैसे ही अनुज तो ठाकुर जी का भक्त था, फिर वह भला कैसे अनाथ हो सकता था। दुखी मन से अनुज ठाकुर जी के ध्यान में खो गया और अगले ही दिन अनुज के रहने का प्रबंध एक अन्य स्थान पर कर दिया। वह स्थान एकदम से वीरान था, ना किसी का आना जाना, ना किसी का रहना, कुछ पशु पक्षी वहाँ विचरण करते रहते थे। वहाँ से थोड़ी ही दूर से जंगल शुरू हो जाता था। अनुज के खाने और देख रेख के लिए एक सेवक की नियुक्ति कर दी गई। प्रतिदिन सुबह के नाश्ते का प्रबंध और दोपहर तक रात्रि के भोजन का प्रबंध अनुज के भाई और भाभी करते थे, और उसके जो कपड़े थे घर से धुल करके आ जाते थे। फिर अनुज ने इसका कुछ भी विरोध नहीं किया, वो उसी में ही संतुष्ट रहने लगा। उसका हमेशा नियम था कि जब भी वह भोजन करने बैठता तो पहले अपने भगवान ठाकुर जी का ध्यान करता, उनको भोजन अर्पित करता और उस भोजन के लिए धन्यवाद दे करके तब जाकर भोजन को करता। कुछ दिन तक यही क्रम चलता रहा और इसी बीच अनुज की दोनों भाभियों को पुत्र रतन की प्राप्ति हो गई। उसके बाद अनुज का यह प्रतिदिन का खाने और वस्त्र का प्रबंधन भी उन दोनों भाभियों को अखरने लगा। तब दोनों ने मिल करके एक भयानक षड्यंत्र रच दिया, जिससे उन्होंने अनुज को जान से मार डालने की योजना बना ली। और अगले ही दिन उन्होंने रात्रि के भोजन में विष मिला करके सेवक के हाथ भेज दिया। इस बात से पूरी तरह से अनजान सेवक भोजन लेकर के पहुंचा और अनुज को भोजन सौंप दिया, जिससे अनुज ने भोजन प्राप्त किया और भोजन खाने बैठा, जिससे प्रतिदिन की तरह ठाकुर जी को अर्पित किया, जिससे ठाकुर जी के भोजन को स्वीकार करते ही वह विषैली भोजन प्रसाद के रूप में परिवर्तित हो गया। कहते हैं ना, जिसके साथ ठाकुर जी सदा रहते हैं उसके सामने कोई षड्यंत्र भला क्या कर सकता। फिर अनुज ने मुख्य पूर्वक भोजन किया और भगवान का धन्यवाद दिया और लग गया भगवान के भजन में। उधर दोनों भाभी प्रसन्न थे कि चलो, आज पीछा छूट गया उसे अंधे का। अगले ही दिन अनजान बन करके उन्होंने फिर से प्राप्त समय का नाश्ता तैयार किया और सेवक के हाथ भेज दिया, इसी आशा में कि थोड़ी देर में सेवक लौट करके आएगा और उनको मन को प्रसन्न करने वाली सूचना दे करके वह आएगा। परंतु नाश्ता दे करके जब सेवक वापस लौटा तो अनुज के सकुशल होने की सूचना दिया, जिससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। और वह दोनों पापी बुद्धिहीन या नहीं जान पाए कि जिसका रक्षक दया निर्धान हो भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता। फिर वह मंद बुद्धि सोचा कि हो सकता है किसी कारण से अनुज ने रात्रि में भोजन ना किया हो। ऐसा विचार करके उन कुटिल स्त्रियों ने अपने मन की शंका का समाधान स्वयं करने की ठान ली। तब उस दिन उन्होंने दोपहर के भोजन में अनुज के लिए खीर बनाई और उसमें पहले से भी अधिक जहर मिला दिया, और वह स्वयं ही खीर लेकर के अनुज के पास गई और अनुज को बड़े ही प्रेम से व्यवहार किया और कहने लगी कि आज तुम्हारा चेहरा उदास क्यों लग रहा है, और क्या रात्रि में तुमने भोजन नहीं किया था। अपनी भाभियों को वहाँ देख करके बहुत खुश हुआ। वह बोला, नहीं भाभी, मैंने तो भोजन कर लिया था, भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट लगा था। यह तो आपका प्रेम है जो आपको ऐसा लग रहा है। यह सुनकर दोनों पापी स्त्रियाँ शंका में पड़ गई कि इसने भोजन किया तो फिर इस जीवित कैसे बच गया।
उनकी पापी बुद्धि ने अब भी उनका साथ नहीं दिया और वह सत्य को नहीं पहचान पाई और उन्होंने मन में विचार किया लगे कि अनुज हमसे झूठ बोल रहा है। तब उन्होंने प्रेम पूर्वक अनुज को खीर दे करके कहा कि आज हम तुम्हारे लिए अपने हाथ से खीर बना करके लाई है, आज अपने सामने ही हम तुमको खिला करके तभी वापस जाएंगे। जब तक तुम खीर को नहीं खाते हो, उनके कपटपूर्ण प्रेम के नाटक को अनुज नहीं पहचान सका। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने प्रेम से वह खीर ली और उसको खाने बैठ गया, किंतु खाने से पहले वह अपने प्रभु ठाकुर जी को नहीं भूला। उसने प्रेम पूर्वक ठाकुर जी का ध्यान किया, उनको खीर अर्पित की और प्रेम पूर्वक तब जा कर के वह खीर खाने लगा। फिर कैसा बीज और कैसा षड्यंत्र, वह सुखपूर्वक सारी खीर को खा गया। उधर उसकी भाभियों ने जब उसको खीर खाते देखा तो सोचा कि हो गया, इसका काम तमाम, अंत में वह यहाँ रुकना उचित नहीं है। इसी तरह का विचार करके वह तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ी। खीर खाने के बाद अनुज ने भाभियों को धन्यवाद दिया, किंतु वहाँ होती तभी तो धन्यवाद करता, वह वहाँ से जा चुकी थी। अनुज को बहुत आश्चर्य हुआ कि अचानक वह दोनों वहाँ चली गई। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने भगवान का पुनः ध्यान किया और हरि के भजन में वह खो गया। उधर दोनों भाभी प्रसन्न मन से अपने घर पहुँचे तो देखा घर में कोहराम मचा था। इससे देखा तो पता चला कि उन दोनों के पुत्रों ने कोई विषैला पदार्थ खा लिया है और उसी के खाने से उनकी मृत्यु हो गई। यह देख करके दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया और अपने पाप को उनको एहसास होने लगा। वह जान गई कि भगवान ने उनको उनके कर्मों का दंड दिया है। उधर एक सेवक दौड़ करके अनुज के पास पहुंचा और सारी घटना सुनाई, जिसे सुन करके अनुज एकदम से विचलित हो गया और रो पड़ा। फिर वह सेवक से बोला, भाई मुझको वहाँ ले चलो। तब सेवक अनुज को लेकर के घर पहुंचा और वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि सभी लोग जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। फिर उन्होंने अनुज को वहाँ जीवित खड़ा देख करके दोनों भाभी अचंभित सा रह गए। अब उसको इस बात का विश्वास हो गया था कि जिस अनुज को उन्होंने ठुकरा दिया था और उसकी हत्या करने की चेष्टा की थी, भगवान स्वयं उसके साथ है, इसलिए उसका कोई बाल भी बक्का नहीं कर सका, बल्कि भगवान ने उसको ही उनकी करने का फल दे दिया है। और वह दोनों कुटिल स्त्रियाँ अनुज से भयभीत होकर के उसके पैरों में पड़ी और अपने सारे अपराध उन्होंने स्वीकार कर लिए और उनको क्षमा करने की दुहाई देने लगी, जिससे अनुज और उसके भाई उन दोनों के षड्यंत्र को सुन करके हैरान थे। किंतु अनुज तो वहाँ उन बच्चों की खातिर आया था। अनुज ने सेवक से कहा, मुझको बच्चों तक पहुँचा दो। सेवक ने ऐसा ही किया। फिर बच्चों के पास पहुँच करके अनुज ने अपने प्रभु को ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आज मेरी लाज आपके हाथ में है, इन दोनों मासूमों को जीवित दान दे दी दे या फिर मेरा ही जीवन ले लो। इसी प्रार्थना कर अनुज ने दोनों बच्चों के सर पर हाथ रखा। ठाकुर जी की लीला हुई। अपने भक्त की पुकार को सुनकर के पल भर में ही दोनों बच्चे जीवित हो उठे। यह देख करके अनुज के भाई और भाभी को बहुत लाजा आई। उन्होंने अनुज से अपनी कर्मों के लिए क्षमा मांगी और कहा कि अब उसको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वो यहीं रहेगा पहले की ही तरह। किंतु अनुज तो सर्वत्र अब उसके ठाकुर जी के हो गए थे, उसको इन बातों से भला किया लेना देना था। वह सेवक के साथ वापस लौट गया। इसलिए कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता भगवान ने उसका साथ देता है। जब कोई किसी का सहारा नहीं होता है तो ऊपर वाला उसका सहारा होता है। वहीं भगवान जिसका हाथ पकड़ लेता है उसके जीवन में भला कौन सा दुख आ सकता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा सही मार्ग पर चले, चाहे कोई साथ दे या न दे, अपने मन को एकाग्र करके प्रभु की भक्ति में लीन रहे, कोई बाल भी बक्का नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस चैनल धार्मिक ज्ञान पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। प्रेम से बोलिए, हरे हर महादेव, जय शिव शंकर, राधे राधे, कृष्ण मिला दे।